Hello and welcome to my YouTube channel. जैसे कि आपको पता है हम यूनिट 4 को कवर अप कर रहे हैं, उसमें हमने कुछ टॉपिक्स को पढ़ा, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग के कंसेप्ट को समझेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, उसके काजेस क्या है, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं. ठीक है, तो चलिए समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है. ग्लोबल वार्मिंग की मैं पहले मीनिंग समझेंगे, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है. देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन द अर्थस एवरेज सरफेस टेम्परेचर. ग्लोबल वार्मिंग आपको सिंपल याद रखना है, जो अर्थ है, अर्थ की जो सरफेस है, ऊपर वाला हिस्सा, जब उसमें इंक्रीज हो जाए, लेकिन किस में इंक्रीज हो जाए, टेम्परेचर में जब इंक्रीज हो जाए, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है. जब अर्थ के सरफेस पे जो टेम्परेचर होता है, जब वो इंक्रीज हो जाता है, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. जो उसका एवरेज था, यानी कि अगर टेम्परेचर 2012 में 36 डिग्री था, 2024 में वो पहुंच गया है 37 डिग्री, तो इंक्रीज हो गया है, तो इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. सिंपल कंसेप्ट है, समझ में आया, बहुत इजी है. देन उसके बाद ये समझ में आया, लेकिन ये टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है, इसको हम कहते हैं ये क्यों होता है, किस वजह से, ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज. जो इंसान है, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी ह्यूमन एक्टिविटीज, उनकी कुछ एक्टिविटीज की वजह से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, और उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अर्थ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पर्टिकुलरली द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. लेकिन मेन, जो मेन इंपैक्ट, जिसकी वजह से जो मेन रूट काज है, वो है ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है, उनकी वजह से ये होता है. नाउ द क्वेश्चन इज, सर ग्रीन हाउस गैसेस हम किने बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं. देखिए, इसमें जो कुछ स्टूडेंट्स होंगे, जो साइंस वाले बैकग्राउंड होंगे, उनको इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे ये पता है. लेकिन जो आर्ट्स वाले बैकग्राउंड होंगे, या सोशल साइंस के बैकग्राउंड होंगे, या लिंग्विस्टिक्स के बैकग्राउंड होंगे, उनको इन चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. इसीलिए जब सब्जेक्ट कम्बिनेशन लेते हैं, तो सीनियर्स को पूछना पड़ता है, जिन्होंने कुछ अच्छा ज़िंदगी में किया होगा एजुकेशन के फील्ड में, उनसे पूछा जाता है कि ये सब्जेक्ट्स हम कौन सा सब्जेक्ट्स लें. उस वक्त भागना नहीं होता है कि कुछ ईजी सब्जेक्ट्स लेके ग्रेजुएशन कम्प्लीट होगी, लेकिन आगे जाके फिर प्रॉब्लम्स फेस होती है. अगर आपने प्लस टू में सोशल साइंस वाले या आर्ट्स वाले, अगर उन्होंने प्लस टू में या कॉलेजेस में ई साइंस लिया होगा, तो उनको इन बेसिक कंसेप्ट्स का पता होगा, उनको इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये बेसिक्स हैं. जैसे मैंने ट्वेल्थ में ई साइंस लिया था, या ग्रेजुएशन में भी साइंस लिया था, तो यानी ई साइंस मतलब एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है, उसमें ये बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं. अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो उनको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं. जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है, या सोशल साइंस था उनका, या लिंग्विस्टिक था, उनको मैं यहीं पे क्लियर करवा दूंगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं. उतना कोई टफ कंसेप्ट नहीं है, कोई तुरंखंड कंसेप्ट नहीं है जिसको समझ नहीं पाएंगे. ठीक है, चलिए, अब ग्रीन हाउस गैसेस किस किस को हम बोलते हैं, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, उसके बाद मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इंडस्ट्रियल गैसेस, इन सब को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस. इन गैसेस की वजह से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, ये याद रखिए, इनको बोलते हैं HCF. ये ज़्यादातर कहाँ से निकलते हैं, जो आप मशीनें यूज़ करते हैं, जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, इन में से ये सबसे ज़्यादा निकलता है. ठीक है, इनको यूज़ करते वक्त ख्याल रखिएगा, इनको ज़्यादा खुला मत रखिए, क्योंकि उन वहाँ से क्या निकले, HCF निकलता है, जिनको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोलते हैं. उनकी वजह से क्या होता है, ये जब अर्थ पे आते हैं, और ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है, जो सल्फर हेक्सोफ्लोराइड है, और नाइट्रोजन टेरफ्लोराइड, ये जो गैसेज हैं, ये इनकी वजह से जब ये रिलीज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जैसे गाड़ियों में धुआं हुआ निकलता है, मीथेन, ये एग्रीकल्चर से निकलता है,
जहाँ रियर फार्मिंग, शीप फार्मिंग होती है, जहाँ गोबर होता है, यहाँ जहाँ ये जानवरों को पाला जाता है वहाँ से निकलता है, इंडस्ट्रियल गैसेस निकलता है, नाइट्रोस ऑक्साइड। ये गैसेस जब निकलते हैं ये क्या करते हैं, ये ज़मीन पे आते हैं, अर्थ पे आते हैं। हमारी अर्थ पे ये जब आते हैं तो अर्थ पे ये कौन सी एक्शन करते हैं, ये जब अर्थ पे आ जाते हैं ये क्या करते हैं, जो सन से लाइट आती है, जब सन से लाइट आती है वो अर्थ पे पहुँचती है, अर्थ पे वो रिफ्लेक्ट होती है। कुछ लाइट जो कुछ रेडिएंट्स हैं लाइट के, वो यही रहते हैं अर्थ पे, उनकी वजह से टेम्परेचर होता है, लेकिन कुछ रिफ्लेक्ट होती है वही तो वापस होती है, वापस एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है। जब अर्थ से बाहर जाती है तो यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर, लेकिन जब ये गैसेस रिलीज हो जाते हैं, जब ये अर्थ पे आ जाते हैं, इनकी वजह से ये क्या काम करते हैं, जैसे ही सनलाइट आ गई, जैसे लाइट आ गई, रेड ये लाइट आ गई, तो ये क्या करते हैं, ये इस लाइट में से किसी भी लाइट को वापस नहीं जाने देते, ये यही सब लाइट को एब्जॉर्व करते, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसीलिए हमने इसमें कहा, पिछले वाली स्लाइड में हमने क्या कहा, हमने यहाँ पे कहा ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज, ये इंसानों की वजह से होता है, लेकिन पर्टिकुलरली किसकी वजह से, जो एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज होता है, जो निकलते हैं, कौन से निकलते, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, यही छह आपको याद रखनी जो मैंने आपको दिखाए, ये आपको याद रखने, कार्बन, ये मीथेन, ठीक है, इंडस्ट्रियल गैसेस, हाइड्रो, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपको याद रखने हैं, इनकी वजह से क्या होता है, इन्हीं की वजह से होता है ग्रीन, सॉरी ग्लोबल वार्मिंग, ये मेन रेस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के, ठीक है, इन टू द एटमोसफियर। द IPCC रिपोर्ट रिवील्स अर्थ हैज वार्म, अर्थ में कितनी गर्मी हो गई है, अबाउट 1.1 degree Celsius कब से, 1850 से लेकर 19 तक, एंड एंटिसिपेट्स ए लाइकलीहुड ऑफ रीचिंग, इससे ये लगता है और एक्सीडिंग ये पहुंच सकता है 1.5 degree ऑफ वार्मिंग इन द नेक्स्ट 20 years, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 1.1 degree से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बहुत सारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर सकता है और बहुत सारी डिस्ट्रक्शन ला सकता है और इम्बैलेंस कर सकता है अर्थ में, और जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ के बहुत खतरात है, ठीक है। ये गैसेस आप याद रखिएगा, कौन कौन सी गैसेस आपको याद रखनी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है, ये जब धुआं हुआ उठता है वहाँ से निकलता है, मीथेन वहाँ से, नाइट्रोस ऑक्साइड, इंडस्ट्रियल गैसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, ये सारे, ये चार हो गए आठ, ये आठ ग्रीन हाउस गैसेस है जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद ये देखिए, ये नेक्स्ट स्लाइड है जो मैंने आपके लिए रखी है ताकि आपको यहीं पे ग्लोबल वार्मिंग क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए, सनलाइट आती है, सम सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर, आती है एटमॉस्फेयर से, कहाँ से आती है, एटमॉस्फेयर में कहाँ से आती है, अर्थ पे आती है। अब एटमॉस्फेयर का आप बोलोगे सर, एटमॉस्फेयर जहाँ तक ऑक्सीजन की लेवल होती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के फिर डिफरेंट लेयर्स होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर, तो उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। मोस्ट रेडिएंट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस एट वार्मस इट, जो मोस्ट रेडिएंट अर्थ के आते हैं वो यहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब का मतलब होता है जमीन उनको अपने में एब्जॉर्ब करती है, एटमॉस्फेयर उनको एब्जॉर्ब करता है, वो उनको उसी एटमॉस्फेयर में रखता है, उसकी वजह से हमारी अर्थ पे टेम्परेचर रहता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ पॉसिबल होती है, प्लांट्स बनते हैं, बहुत सारे फूड जो हमारा सारा बनता है वो इसी की वजह से बनता है, गर्मी की वजह से। देन फिर क्या होता है, सम ऑफ द इन्फ्रा रेडिएशंस, कुछ इन्फ्रा रेडिएशंस है पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर में आते हैं, ठीक है, इन्फ्रा रेडिएशंस आते हैं, सम इज एब्जॉर्ब्ड, कुछ यहाँ एब्जॉर्ब होती हैं एंड री इमिटेड इन ऑल द डायरेक्शन, वो फैल जाते हैं हर किसी डायरेक्शन बाय ग्रीन हाउस गैस मॉलिक्यूल्स, द इफेक्ट ऑफ दिस इज टू वार्म, उनको क्या करता है, जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो उनको क्या करते हैं, वो उनको जाने नहीं देते, उनको एब्जॉर्ब करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ की सरफेस पे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उस टेम्परेचर से क्या होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो जो चीज़ें 36 का टेम्परेचर, जिनसे 36 कुछ प्लांट्स उनको ग्रोथ होता है, उनको जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो ख़त्म हो जाएंगे, आइसबर्ग जो आपके लिए वाटर अवेलेबल है, जो आपके आइस है बहुत सारे इन पहाड़ों पे होता है, वो वाटर आपको देते हैं, वो एकदम से पिघल जाएंगे, तो वाटर स्कार्सिटी, वाटर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब जब वो पिघल जाएंगे तो वो वाटर लोअर एरियाज में जाएगा, लोअर एरियाज में क्या हो जाएगा, वहाँ फ्लड हो जाएगा, ड्राट्स हो जाएंगे, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ ख़त्म हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं, बहुत सारे इम्पैक्ट्स आएंगे फिर इसकी वजह से, क्यों, क्योंकि जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस में चेंज हो जाएगी। ओके, नाउ
चलिए अब समझते हैं हम इसके मेन जो काजेज हैं। देखिए, इंडिया इज द थर्ड लार्ज इमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। इंडिया थर्ड लार्ज है, तीसरे नंबर पर हैं, जहां से सबसे ज़्यादा क्या निकलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज निकलते हैं ग्लोबली, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए कैसे कैसे कहां कहां से ये ग्रीन हाउस गैसेज कैसे आते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से क्या आता है, मीथेन एमिशन। मीथेन कहां से निकलता है, जब आप एग्रीकल्चर का काम करते हैं वहां मीथेन रिलीज हो जाता है। वो किस वे में, किस प्रोसेस से मीथेन रिलीज होता है, आपको उसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं, आपको ये याद रखना है। हाइट, अच्छा, बाय एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस स्पेशली जब आप राइस बनाते हो, राइस का कल्टीवेशन करते हो, लाइक लाइव स्टॉक फार्मिंग, भेड़ बकरियां उनको पालना, उसी की वजह से होता है। देयर बाय एडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग इशू, ये किसको ऐड करता है, ये ग्लोबल वार्मिंग इशू। जब मीथेन आता है तो मीथेन की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। क्यों, कैसे होता है, क्योंकि वो रेडिएंट उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। द एग्रीकल्चरल सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 40% टू द ग्लोबल इमिशन, यानी कि एग्रीकल्चर से कितना इमिशन निकल रहा है, कितना मीथेन निकल रहा है, कितने ग्लोबल गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग गैसेस निकलते हैं, सॉरी ग्रीन हाउस गैस निकले, 40% एग्रीकल्चर से आता है, ये भी याद रखिएगा। देन आफ्टर, उसके बाद आपको क्या याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन एक काज है जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। क्यों, इंडिया हैज विटनेस्ड सब्स्टिट्यूशनल डिफॉरेस्टेशन फॉर द एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। हमें मोर जमीन चाहिए, लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट की कटिंग करते हैं। अर्बनाइजेशन, लोग अर्बन एरियाज में जाते हैं उसकी वजह से। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि यहाँ इंडस्ट्री बनानी है वहाँ फॉरेस्ट का कट होता है, रोड बनाने हैं फॉरेस्ट का कट होता है, तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, टीयर्स एक्ट एज कार्बन सिंक्स एंड देयर रिमूवल रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड CH2 एंड इनटू द एटमॉस्फेयर एक्सेलरेटिंग द वार्मल इफेक्ट। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपकी जो ऑक्सीजन की लेवल है वो नीचे आ जाती है और मोर जो है कंसंट्रेशन किसकी बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। और उससे वो भी एक इम्पैक्ट बनता है डिफॉरेस्टेशन, किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। चलिए, एनर्जी कंजप्शन, द डिपेंडेंस ऑन कोल फॉर एनर्जी प्रोड्यूसेस रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। कोल यानी कि कोल जो यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, ये भी किसको करता है, ये भी कार्बन इमिशन करता है। द पावर ऑफ सेक्टर इज लार्ज कंट्रीब्यूट टू इंडिया इमिशन अकाउंटिंग 29% ऑफ द कंट्रीज इमिशन। यहाँ से भी क्या निकलता है, जैसे कार्बन मैंने कहा था आपको, तो यहाँ से भी क्या निकलता है, यहाँ से भी सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस, सॉरी, यहाँ से भी गैसेस निकलते हैं। ओके, ये समझ में आया। देन इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड क्या है, राइजिंग टेम्परेचर। अब इंडिया एक्सपीरियंसेस एन इंक्रीज इन द एवरेज, इंडिया में भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ओवर द इयर्स। दिस राइज लीड्स टू मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंसिव हीट वेव्स, उसे हीट वेव्स बढ़ रही है, अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ। ये किसको अफेक्ट करता है, ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है, एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है, वाटर रिसोर्सेज को अफेक्ट करता है, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। एग्रीकल्चर, अगर ज़्यादा टेम्परेचर, अगर ये रेडिएंट्स यहाँ रह गए जो सोलर, ये सन से आते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से कैंसर होता है, स्किन कैंसर इसकी वजह से होता है। और मोर वाटर रिसोर्सेज भी धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाएगा, आपका जो आइस है वो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, तो वाटर की सिक्योरिटी बहुत कम रहेगी, ठीक है। जो हिली एरियाज में रहते हैं उनके पास वाटर बहुत कम रहेगा। इरिक्टिक रेनफॉल पैटर्न, यानी कि रेनफॉल जो है उसका जो पैटर्न था वो चेंज हो जाएगा। जैसे आप अपनी सोसाइटी में आजकल देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, जिस टाइम पे रेन नहीं होता था उसी टाइम पे रेन होता है, जिस टाइम पे बारिश या बर्फ होती थी उस पे नहीं होती है, तो चेंज हो गया उसके पैटर्न। क्यों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ये एक काज है। ग्लोबल वार्मिंग इन्फ्लुएंसेस मॉनसून पैटर्न, ये मॉनसून को भी चेंज करता है, लीड्स टू इरिक्ट रेनफॉल। चेंज इन द प्रेसिपिटेशन पैटर्न कैन रिजल्ट इन ड्राट्स, उसकी वजह से क्या होते हैं, ड्राट्स, जब टाइम पे रेन नहीं हुआ तो उसकी वजह से क्या हो गया, ड्राट्स हो जाते हैं, वाटर स्कर्सिटी हो जाती है, और डिसरप्शन टू द एग्रीकल्चर, उसकी वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट पड़ता है। जिस टाइम उसको वाटर चाहिए था, बारिश चाहिए था, उसको मिली नहीं, तो उसकी वजह से क्या हो गया, जैसे आप अपनी कश्मीर सोसाइटी में देखोगे हार्टिकल्चर, जब पिछले सालों में बर्फ पड़ा, किस टाइम पे बर्फ पड़ा, जब सेब थे बागों में, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। चलिए उसके बाद, देन राइजिंग टेम्परेचर, इरिक्ट रेनफॉल हमने समझा, उसका इम्पैक्ट फिर क्या पड़ता है, धीरे धीरे
रिड्यूस होता है क्रॉप यील्डिंग। क्रॉप यील्डिंग का मतलब होता है जो हमारे द कॉम्बिनेशन ऑफ हीट सिट्रस वाटर स्कैरसिटी चेंजिंग द पेस्ट डायनेमिक्स कैन लीड टू द रिड्यूस क्रॉप यील्डिंग स्टेबल क्रॉप्स लाइक राइस वीट मैजी आर पीपट क्यूर। तो इन क्रॉप्स पे ये इम्पैक्ट पड़ता है, ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ये धीरे धीरे वर्नरेबल हो रहे हैं। वर्नरेबल मतलब इनमें ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं आ रही है, ये क्रॉप्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, क्रॉप्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। जब क्रॉप्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा इसका मतलब आपको फूड ज्यादा नहीं मिलेगा। किसका इम्पैक्ट पड़ेगा? ग्लोबल वार्मिंग का। सी लेवल राइजेस द वार्मिंग ऑफ द प्लेनेट कंट्रीब्यूट्स टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर जल। ग्लेशियर्स माउंटेन्स पे, माउंटेन्स से हमें ग्लेशियर्स हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत डाउन रहता था, वहाँ से वाटर आता है नीचे लेवल की ओर, ठीक है। जब से आपने रिवर्स पढ़ा होगा, जो भी ग्लेशियर आपने देखा होगा वो कहाँ पे है? माउंटेन्स पे, जहाँ बहुत कम टेम्परेचर होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा इनकी मेल्टिंग हो जाएगी, जब मेल्टिंग हो जाएगी तो हिली एरियाज में वाटर स्कर्सिटी होगी, और डाउन एरियाज जो समुंदरी एरियाज है वहाँ वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगी, तो वहाँ क्या आएगा? वहाँ तूफान आएगा, सैलाब आएगा, फ्लड आएगा, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं सी लेवल राइजेस, जो समुंदरों की लेवल है वो बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? देखिए, ग्लेशियर्स पोलर आइस काजिंग ए राइज इन सी लेवल, वाटर ज़्यादा आएगा, उससे क्या होगा? उससे एरियाज इन द इंडियाज आर वल्नरेबल टू फ्लड, उससे फ्लडिंग आएगी, इरोजन होगा सबसे ज़्यादा, इम्पैक्टिंग कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम। वो किस पे इम्पैक्ट करेगा? कम्युनिटीज पे भी और इकोसिस्टम पे भी, जो इकोसिस्टम बैलेंस में चलता है उसमें क्या होगा? उसमें भी डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। बहुत ईजी कंसेप्ट है, कोई टफ कंसेप्ट है ये नहीं, जिसको आप नहीं समझ पाएंगे, ये बहुत ईजी कंसेप्ट है। उससे और क्या होगा? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इंक्लूडिंग साइक्लोन्स आ सकते हैं, तूफान आ सकता है, फ्लड आ सकता है, स्टॉर्म आ सकता है। दीज इवेंट्स आर डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फिर खत्म ही हो जाएगा। एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट होगा, लैंड इरोजनस होंगे, एंड ह्यूमन सेटलमेंट, जहाँ लोग रहते हैं उनका ह्यूमन सेटलमेंट है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्या सर इसमें कोई सोल्यूशन नहीं, क्या इसको रोक नहीं सकते? यस, इसको रोक सकते हैं बहुत सारी चीज़ों से। तो उसके लिए क्या क्या सोल्यूशंस हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है उसके लिए, देखें। ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब इन्वेस्टिंग इन एंड प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज, ज़्यादा ज़्यादा किसको? रिन्यूएबल एनर्जी को। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो चीज़ें, वो एनर्जी होती है जिसको हमने एक बार यूज़ किया, खत्म हो गई उसके, जैसे पेट्रोल, ठीक है। रिन्यूएबल जिसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते, जैसे सोलर है, सोलर हम क्या करेंगे? सोलर्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे, सनलाइट को यूज़ करेंगे उसके लिए, ठीक है। विंड यानी कि विंड को यूज़ किया जाएगा पावर फैक्ट्रीज के लिए, पावर बनाने के लिए फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाएगा, ठीक है, इंडस्ट्रीज में। हाइड्रो पावर कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स पे ज़्यादा नहीं, जो फ्यूल यूज होता है जैसे गाड़ियों में तेल, ठीक है, कोल, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनको ज़्यादा ना यूज़ किया जाए। क्यों? क्योंकि इनसे सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? ग्रीन हाउस गैसेज निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक काज है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, उसकी वजह से क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकता है। देन उसके बाद, सॉरी एक सेकंड, जस्ट वेट वन सेकंड, तो ये हो गया, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा यूज़ होनी चाहिए। देन इसलिए आप देखोगे कि इंडिया इज ऑल्सो प्रॉमिसिंग द इंश्योर एटलीस्ट 50% ऑफ द इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी 2030 विल बी बेस्ड ऑन नॉन फॉसिल फ्यूल्स। इसीलिए आप बार बार देखोगे कि फलानी मिनिस्टर फलानी एरिया में गया तो वहाँ उसने सोलर पैनल का सिस्टम दे दिया, ठीक है, सोलर सिस्टम ज़्यादा वो कवर अप कर, जैसे इंडिया में एक ये जम्मू में एक विलेज को दिया गया, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल कहा गया किसी गाँव को। तो क्यों? क्योंकि उसकी वजह से ये होता है कि क्या गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, गवर्नमेंट काम कर रही है कि जो एमिशन है, जिस जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनको कम किया जाए, उनके यूज़ में अल्टरनेटिव्स यूज़ किए जाए। इसीलिए क्या बोलते हैं, इंडिया कहता है कि हम 50% क्या यूज़ ज़्यादा करेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज, नॉन फॉसिल, जहाँ फॉसिल फ्यूल यूज़ नहीं होंगे, विंड को यूज़ करेंगे, सोलर एनर्जी को यूज़ करेंगे। जैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, आप टॉप पे देखोगे वहाँ सोलर पैनल्स लगे हुए, क्यों? बिकॉज वहाँ क्या काम किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसको? रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ किया जाए। एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स, एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स भी कुछ, जैसे इंप्लीमेंटिंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस इन इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्ट हाउसेस कैन लोअर द एनर्जी कंजप्शन एंड रिड्यूस कार्बन इमिशंस, ठीक है। ये भी एक मेजर हो सकता है कि इंप्लीमेंट किया जाए, किस चीज़ को इंप्लीमेंट किया जाए, जो टेक्नोलॉजीज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्ट में,
कैन लोअर द एनर्जी कंजप्शन एंड रिड्यूस कार्बन इमिशन। इससे भी क्या होगा, कार्बन इमिशन धीरे धीरे जाए, जितना ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा कम होंगे उससे क्या होगा, उससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा। इंडिया इज नाउ कमेंटिंग इटसेल्फ एटलीस्ट 40% रिडक्शन इन द इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी इमिशन। ठीक है, तो इंडिया भी इसके साथ साथ प्रोग्राम्स कर रहा है हर किसी सेक्टर में, ताकि क्या कम किया जाए, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको कंट्रोल किया जाए। उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, एफॉरेस्ट्रेशन, रिफॉरेस्ट्रेशन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट्स लगाए। सो देन एफॉरेस्ट्रेशन, एफॉरेस्ट्रेशन क्या होता है, एफॉरेस्ट्रेशन का आपको सिंपल याद रखना है, एफॉरेस्ट्रेशन का मतलब होता है ज़्यादा दरख्त लगाना, ठीक है, दरख्तों को लगाना। डिफॉरेस्ट्रेशन होता है काटना, एफॉरेस्ट्रेशन होता है दरख्त लगाना। रिफॉरेस्ट्रेशन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लार्ज स्केल एफॉरेस्ट्रेशन एंड रिफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम्स कैन एक्ट बी एज अ कार्बन सिंक्स एब्जॉर्बिंग CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये एब्जॉर्ब करते हैं CO2 को, ठीक। दिस हेल्प्स इन द मेडिटेटिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो ये किस में हेल्प कर सकते हैं, ये जब CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो नीचे आ जाएगी, ठीक है, किससे, एफॉरेस्टेशन से, ठीक है। देन उसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रोसेस, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होता है, सस्टेनेबल का मतलब होता है एनक्रेज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सच एज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। सस्टेनेबल वो चीज़ें होती है जिससे हम ये काम करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे हम बोलते हैं। सस्टेनेबल का मतलब होता है आप डेवलपमेंट, आप उतना ही डेवलपमेंट कीजिए जो आपके नीड्स को फुलफिल कर सके, और रिसोर्सेज को बचाइए फ्यूचर जनरेशन के लिए, उनको तबाह मत कीजिए, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल का मतलब होता है मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, जो आपके पास प्रेजेंट जनरेशन उनके नीड्स फुलफिल कीजिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जन, जो फ्यूचर जनरेशन के नीड्स हैं उनको खत्म मत कीजिए, उनके लिए भी रखिए। जैसे वाटर है आपके पास, आप वाटर उतना यूज़ कीजिए जितना आपके लिए है, लेकिन वाटर को पोल्यूशन मत कीजिए, वाटर को ज़ाया मत कीजिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन जो है उनके लिए भी रखिए कुछ, ठीक है, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कीजिए, उसका मतलब क्या होता है, सच एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है फर्टिलाइजर्स कम यूज़ कीजिए, फर्टिलाइजर्स ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, घर में जो सिस्टम है उसी को ज़्यादा यूज़ कीजिए, उसके साथ साथ पेस्टिसाइड्स कम यूज़ कीजिए। उसके उससे क्या होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होगा, जो फार्मिंग जो लैंड है वो रिसोर्स है वो तबाह नहीं होगा, वो आगे आने वाली जनरेशन भी यूज़ कर सकती है, ठीक है। देन एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट का एक एफिशिएंट सिस्टम रखिए कि वाटर को ज़्यादा ज़ाया मत कीजिए, ठीक है। ये हर किसी रिलीजन में कहा गया है कि रिसोर्सेज को तबाह मत कीजिए, क्यों, क्योंकि आने वाली जनरेशन इन रिसोर्सेज को यूज़ करती है। उसमें सबसे ज़्यादा गुनाह किसको है, जो वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट को, जो रिसोर्सेज को तबाह करता है, ठीक है। एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट रखिए कि अगर आपको वाटर चाहिए तो पास साफ वाटर ज़ाया मत कीजिए, जितना चाहिए उतना ही यूज़ कीजिए, उसमें पोल्यूशन भी मत कीजिए, उसकी वजह से क्या होगा, नहीं तो आने वाली जनरेशन के पास ये रिसोर्स जो नहीं होंगे, ठीक है। मैनेजमेंट कैन रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, उससे क्या होगा, उससे ग्रीन हाउस गैसेस नीचे आएंगे जब आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करोगे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सर फार्मिंग आप ऐसे कीजिए, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ मत कीजिए, ठीक है, वीडिसाइड्स जो घास को उठाते हैं, घास को जलाते हैं, उनको ज़्यादा मत यूज़ कीजिए। उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस यानी मीथेन ज़्यादा रिलीज नहीं होगा, उसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक सेक्टर है। तो ये था, ये हमारे कुछ मेजर्स थे जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं हम, जिसकी वजह से ये चीज़ें आ सकती है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मेजर्स क्या है, इम्पैक्ट्स क्या आएंगे, वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। और उसके साथ साथ अगर आपको ये PDF मटेरियल चाहिए तो चैनल हर किसी वीडियो के साथ साथ मैंने ये टेलीग्राम के लिंक दी हैं, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको PDF मटेरियल मिलेगा। और घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से प्रिपरेशन कीजिए, बी कूल रहिए, अपना 100% दीजिए, जितना आपसे हो सके वो दीजिए, ताकि आपके दिमाग में कल ये ना रहे कि मैंने इस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन नहीं की। बाकी थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।